विश्वविद्यालय खुल रहा है, हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं। चलो मजा आएगा। क्या मजा आएगा? मजा आएगा वहाँ पर नए नए बच्चे आएंगे, नए नए प्रोफेसर होंगे, मैडम होंगे, सर होंगे, छात्राएं होंगी, आनंद आएगा। और तो और कैंटीन होगी, चल के वहाँ पर मजा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपनी आदत थोड़ी सुधार लाओ। अरे यार ये होता है, ये बताइए जिंदगी में जीने का मजा मिला है? हाँ, 3 साल का मामले का कोर्स है, पढ़ाई पढ़ाई अपनी जगह है, जीवन में तो हर चीज करना चाहिए ना। देखो भाई, पढ़ाई से ही सब कुछ है, जीवन चाहे जो भी आप करना चाहेंगे पढ़ाई से ही हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, पहले तो हमारा दोस्त हवा के ना है? बिल्कुल है। हाँ, तो हम कुछ तौर साथ पढ़ पाते तनी मनी हमारा नंबर गड़बड़ाए, चाहे कुछ ना आए तो हम गाइड कर दिया, और क्या करेगा। मैं यही चाहता हूँ, जो आपकी आदत है, जो नशा करते हैं या फिर सिगरेट पान जो भी नशा करते हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अरे भाई आपको नहीं पता, भोजपुरी है अच्छे अच्छे यहाँ पे हॉस्टलों में लोग पी कर खा के IAS बन जाते हैं। लोग यहाँ क्या करते हैं, रात रात में दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, पी के शीशी में, और क्या करते हैं, कपड़ा की तबियत ऊपर डालते हैं, और पता चलता है कि मैं स्लो क्वालिफाई करती हूँ। देखो आप IAS बन जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन IAS बनने के बाद क्या आप चाहते हो कि मतलब मैं रोगी की तरह IAS बन? अच्छा छोड़ो यार, चलो आज हमारी क्लास है, चलो थोड़ा क्लास व्लास करके आते हैं, आइए चलिए। बिल्कुल चलिए। आज हमारे दिव्या मैडम की क्लास है, और आज वो पढ़िया पढ़ाएंगी, और हमेशा वो हंसाती रहती है बच्चों का, मजा भी आता है पढ़ने में। चलिए मजा भी आ जाए, चलिए। क्लास चल रही है, गुड मॉर्निंग मैडम, चलो आज हम लोग क्लास के पिंटू भाई। जी जी, मजा आ गया मैडम ने तो एकदम मन खुश करके पढ़ा के इतना। क्या पढ़ रहे मैडम? रक्षा के बारे में बता रही थी, फाइट करो, मौज करो, मस्ती करो, धूम मारो, लेकिन अपने पढ़ाई से। भाई मैडम ने बात कही, भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ हुआ वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, बच्चे की पढ़ाई करी नशा मस्ती छोड़िए। अरे पिंटू भाई सुना, हम कहाँ नशा करें ना, कभी कभी खराब परिवार वाला इतना टेंशन हो जाता ना, अखबार डिस्टर्ब करो तो जाके सोचे ना, इस चीज मान लें किस मान से। नहीं नहीं टेंशन क्यों करना, जितना अधिक पढ़ाई करेंगे टेंशन अपने आप चला जाएगा। नहीं नहीं वो तो बात सही है, लेकिन क्या करें इस सिचुएशन में, जब वो खर्चा हो जा रहा हॉस्टल का सिचुएशन का, दूसरे के भरोसे पिए, दूसरे के पिए पिए तो अपन आपको पड़ी गई भाई साहब, का अभी कहाँ गए करें, दूसरे के भरोसे पीना पड़े खाना पड़े, ऐसा क्यों करें, ऐसा काम करें कि हम कुछ अच्छा ही मैसेज दे पाए, इसे गलत काम छोड़ दें। भोजपुरी बोलो यार, लैंग्वेज में भाई। कल हम लोग का प्री का एग्जाम है, UPSC का प्री एग्जाम है, आपका भी सेंटर एक ही जगह, हमारा भी सेंटर एक ही जगह, चलिए एग्जाम देने चला जाए। तो कैसे चलेंगे, ट्रेन से बस से? चलिए सिटी बस से चलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग पिंटू भाई, गुड मॉर्निंग। आज एग्जाम है हम लोग का, चला जाए? चलिए चलो, ठीक पिंटू भाई, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आप मिलते हैं एग्जाम के बाद। हम लोग का एग्जाम चल रहा है इसका, UPSC का। मैम एग्जाम हो गया, 2 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। पिंटू भाई रिजल्ट कैसा हुआ आपका? रिजल्ट तो अभी आया नहीं, आने तो बताते हैं कब आने। पिंटू भाई मेरा रिजल्ट आ गया, और यार मेरा तो उसमें 5 नंबर से रुक गया। नहीं यार मेरा तो हुआ है। हाँ यार आपका तो हो गया, क्या बताएं यार, बहुत दुखी बात है। सही कहते थे यार, जिंदगी में पढ़ाई कर लो पर नशा मुक्ति नहीं करना चाहिए। आज हमारा शरीर भी हो गया, खांसी भी आ रही है, फेफड़े में लगता कुछ हो गया है, सांसें भी फूल रही है हमारी, अब क्या बताएं। इंसान घर वाले कहते हैं टेंशन ले लो, फिर अगली बार मेहनत करो। तो बिंटू भाई आज आप सही कहते थे, तुम पढ़ लिख कर आज पढ़ दे, आप DM हो गए और हम वही रह गए बताए। आज सही कर देते अगर आज हम भी पढ़ दिए होते आपके साथ, और एग्जाम में आपके साथ मेहनत किए होते तो आज हम इस लायक पहुँच गए होते। आप सही कहते थे, मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। अगर हमारे लायक कभी मौका मिलेगा तो कुछ अच्छा करिएगा, मैं आपका जूनियर समझिए, किसी क्षेत्र में मुझे लगवा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।